हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको, आप सबकी फैमिलीज को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। मेरी पूरी यूट्यूब की फैमिली को ईद मुबारक। आओ यार, हेलो कर दो, ईद मुबारक बोल दो सबको। अरे आप भी आज रेडी हुई है, बड़ी प्यारी लग रही। आपने भी मेकअप किया है? अच्छा, अपनी चूड़ियाँ तो दिखाओ। और नहीं, चप्पल दिखाओ। यहाँ पर खांसी हो रही है और इसका जो है ना सीरप वगैरह मैंने पिलाया था इसको, फिर भी खांसी ख़त्म नहीं हो रही इसकी। आप जो है ना रियाज, ठंडा पानी नहीं पिया करो, ठीक है? प्रॉमिस, प्रॉमिस कर रही है। अब नहीं पीना ठंडा पानी, ठीक है? तो हम लोग रेडी वगैरह होके जो है घर में बैठे हुए और खाना वगैरह जो है बना लिया था। तो आपने भी कमेंट में ज़रूर बताना कि आपकी ईद कैसी गुजरी। हमारी तो घर में फ़िलहाल गुजरी है, तैयार होकर हम लोग घर में बैठे हैं, ठीक है? आप बताएं आप लोग कहाँ गए। हम लोग तो फ़िलहाल घर पे ही बैठे हैं, कल जाएंगे या परसों जाएंगे बाहर। अभी तो जो है घर पे ही बैठे हैं और आपने बताना है कि ये मेकअप कैसा लग रहा है। सिंपल सा बिल्कुल मेकअप है, घर पर ही थी मैं, जाहिर है घर पर मेकअप करके भी काम ही करना है, तो मैंने बिल्कुल सिंपल से मेकअप किया था। और आज जो है वैसे 30वां रोज़ा होना था क्योंकि चांद नहीं दिखा था, लेकिन एंड टाइम पे 9-10 बजे तक तो चांद बिल्कुल भी नहीं दिखा था। 30वां रोज़ा होना था, कंफर्म हो गया था, लेकिन एंड टाइम पे बिल्कुल जो है ज़बरदस्ती का इन्होंने चांद निकलवा दिया और जो है ना फिर आज ईद हो गई। वरना 30वां रोज़ा होता है, ईद जो है कल होती, फ्राइडे की ईद होती। और आपको पता है जैसे लॉकडाउन है तो घर पर ही सब बैठे हैं, घर पर ही जो है ईद गुजारें। तो वो आपने देखा होगा, रिवायती पपियाँ झपियाँ आपने नहीं करनी है और बिल्कुल जो है ना सीधे तरीके से घर में बैठे। आपको पता है जिस तरह वायरस फैल रहा है, तो जो है तो घर में बैठ के ही ईद मना लें यार। कोई इतना मतलब हर साल अगर आप जाते हैं इधर उधर कहीं भी आपने प्लान बनाया होता है, तो अगर आप एक दफ़ा नहीं जाएंगे, एक साल नहीं जाएंगे तो कोई मसला नहीं है। आप फ़ोन पे जाके ईद मुबारक कह सकते हैं, कहीं भी कह सकते हैं, लेकिन जाना ज़रूरी नहीं है। अगर आप जा भी रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा जो है ना डिस्टेंस मेंटेन रखें, ये आपके लिए बेहतर है, दूसरों के लिए भी बेहतर है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप सबको अगली ईद मुबारक, आपकी फैमिलीज को ईद मुबारक। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो के कमेंट्स में आपने ज़रूर बताना है कि आपकी ईद जो है वो कैसी गुजरी है। बाय बाय।